हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि 18 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो उससे जो जोन से मोस्ट क्वेश्चन बनती हैं, आज हम उसको पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। कि पहला होगा कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, तो हम बताएंगे कि 17 अप्रैल के दिन, 17 अप्रैल को हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। देखते हैं कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो हम बताएंगे नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। अब हम देखते हैं कि पहला फेमिना मिस इंडिया किसने जीता था, तो पहला फेमिना मिस इंडिया जिसने जीता था उनका नाम था श्रेया पूंजा। वो थी कौन, श्रेया पूंजा। और दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में हम देखेंगे थोना ओजम स्ट्रेला लुबंग। तो ये हमारे, हमने क्या देखा है कि ये फेमिना मिस इंडिया तो 2023 की हमने देखा, और पहली भी देखा और दूसरी देखी। अब हम देखते हैं कि तीसरा क्या होगा कि हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया। तो हम बताएं कि बिहार में। हाल ही में DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। कि हाल ही में DRDO द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन ये हुआ है IIT हैदराबाद में। फिर देखते हैं कि हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी करेगा, तो वो कौन करेगा, मेघालय। फिर देखते हैं कि वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये मेघालय में मनाया गया। कि वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो हम बताएं कि मेघालय में मनाया गया। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है। कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है, तो वो कौन सा देश है, वो हम बताएँ कि फिनलैंड है। फिर देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। वो कौन सा देश है, तो वो बताएंगे हम कि नेपाल देश है। अब फिर देखते हैं कि हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। कि हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई, तो वो बताएंगे कि नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है, तो वो बना है अमेरिका। फिर देखते हैं कि हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे, तो वो कौन सा राज्य, तो हम वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये 18 अप्रैल की जो हमारे मोस्ट क्वेश्चन थे, तो वो हमने आज ये क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।